हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के ऑल फॉर्मुलेज, वो भी चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स के आपको फॉर्मुलेज बताने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और इस वर्कशीट की मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप डायरेक्टली वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट करा सकते हो और एग्जाम के पहले आप सारे फॉर्मुलेज को रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा मोशन। मोशन में हमारे फॉर्मुलेज है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देन नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा होता है द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। दैट मीन्स हाफ ऑफ यू प्लस वी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीन इक्वेशन को आपने प्रूव किया था ग्राफिकली, बट पेपर में शायद ग्राफिकली नहीं आ सकता क्योंकि सारे पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो आपने सिर्फ इन इक्वेशन को यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी वी इज़ गली यू प्लस एटी, सेकेंड हमारी एस इज गली यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड हमारे वी स्क्वायर माने यू स्क्वायर इज गली टू एस। वी हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है हमारा एक्सेलरेशन, टी होता है हमारा टाइम और एस होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकेंड चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा एफ इजिकल टू एम ए, ये आपने प्रूव किया था बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ए हमारा होता है द चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस करके अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं गिवन तो देन आप वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो एफ इजिकल टू एम ए या फिर एफ इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड हमारा फॉर्मूला है मोमेंटम का, पी इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी। एम होता है हमारा मास और वी होता है हमारा वेलोसिटी। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इसकी आपने डेरिवेशन सीखी होगी कि दो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं जिसके मास क्या है हमारे एम ए और एम बी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू ए और यू बी। बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम क्या होगा बराबर, तभी हम उसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे आपके एक मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। तो इस करके इस फॉर्मूले को जरूर याद करें और इसके बेस आपके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल है उसको आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको बताया कि दो हमारे क्या ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास के एम वन और एम टू और इनके बीच का जो रेडियस है वो हमारा क्या है आर। तो इनके बीच में जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वो हमारा किसके बराबर होगा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज जी? जी हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये हमारे किसके बराबर होगी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका हमारा फॉर्मूला होता है स्मॉल जी बराबर है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी हमारा होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम होता है हमारा मास ऑफ द अर्थ और आर होता है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। देन हमारा आता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी। अब अगर मेरी कोई एक बॉडी मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी तो उसकी कंडीशन दो हो सकती है, या तो वो ऊपर से नीचे गिरेगी या तो वो नीचे से ऊपर जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पर आपका ए और एस आपका कन्वर्ट हो जाता है जी और एच में। तो यहां पर आपका डिपेंड करेगा कि अगर आप ऊपर से नीचे आपकी बॉडी फॉल हो रही है तो आपका जी क्या होगा और अगर आप नीचे से ऊपर अगर अपवर्ड की डायरेक्शन में अगर आप कोई बॉल को थ्रो कर रहे हो तो तब आपका जी की डायरेक्शन क्या होगी। और हमेशा याद रखना अगर हम ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहे हैं तो वो उसकी जी की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव। जी वैल्यू क्या लोगे पॉजिटिव लोगे। देन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी वी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। और अगर आपकी बॉडी थ्रोन हो रही है वर्टिकली अपवर्ड तो जी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव बिकॉज वो ग्रेविटी का क्या हो रहा है अगेंस्ट जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस करके हम उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। देन आपका फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये दो फॉर्मूले जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एम जी एच, एम होता है हमारा मास, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच होता है हमारा हाइट। देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू मास और वी होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमारा किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वर्क डन निकालना है और आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है, देन आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे और वर्क डन को फाइंड आउट करोगे। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साउंड, साउंड में हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा वी इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा, वी होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव, एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ। सेकंड हमारा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/T, ये हमारा रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देन हमारा थर्ड फॉर्मूला है एको, एको हमारा कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ एको दैट इज इक्वल टू 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सोर्स होल डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ एको। तो ये थे सारे आपके फॉर्मूले चैप्टर वाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और इस वर्कशीट का आप PDF डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।